भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IGNCA संस्कृति मंत्रालय की इस खास पेशकश संस्कृति संवाद में, जहां संवाद होता है संस्कृति का, जहां बात होती है परंपरा की, इतिहास की, धरोहर की, उत्सवों की और भारत की विविधता की। भारत की हर परंपरा एक कहानी कहती है और हर कहानी में एक इतिहास होता है। भारतीय संस्कृति एक नदी की तरह है जो सदियों से अविरल बहती आ रही है, वो नदी जो मनुष्यता पोषित करती है। भारतीय कला और संस्कृति के इसी अविरल प्रवाह को आप सब तक पहुंचाने के लिए हमारी ये कोशिश लगातार जारी है संस्कृति संवाद के जरिए। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृति संवाद का आज का सफर, पर उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के एपिसोड की झलकियों पर। We are almost done with the virtual museum on solar sanskaras. And Rohit Kumar ji, you would be happy to understand that. ये यात्रा छोटी नहीं थी, न कठिनाई कम थी, परंतु प्यासे की प्यास को ज्ञान गंगा की कलकल ने। कथक की शुरुआत जो है वो होते हड़िया तहसील जो है इलाहाबाद के पास। मालूटी मंदिर 17वीं शताब्दी के 72 टेराकोटा मंदिरों का एक समूह है। IGNCA कला और संस्कृति में रुचि रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां हर हफ्ते केंद्र मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय केंद्रों में बुक डिस्कशंस, पेंटिंग एग्जीबिशंस, सेमिनार्स और नामचीन कलाकारों की प्रस्तुतियां होती हैं। तो चलिए संस्कृति संवाद के आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियों से। आइए देखते हैं कि बीते हफ्ते IGNCA में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया गया। प्रस्तुत हैं आपके सामने इस सप्ताह की सुर्खियां। किताबें ज्ञान के अक्षय स्रोत होती हैं। ये विभिन्न विषयों का गहन बोध कराते हुए हमारी समझ और बुद्धिमत्ता को विस्तार देती हैं। IGNCA का कला निधि प्रभाग नियमित पुस्तक विमोचन और चर्चा का आयोजन करता है, ताकि हमारे ज्ञान का क्षितिज विस्तृत हो। इसी कड़ी में संस्कार द अर्ली इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक प्राचीन भारतीय संस्कारों के बारे में बताती है। इस कृति के लेखक डॉक्टर श्वेतांशु भूषण ने पुस्तक का परिचय देते हुए बताया कि ये पुस्तक प्रारंभिक भारतीय परंपराओं की खोज में एक मील का पत्थर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये पुस्तक आम जनमानस को पसंद आएगी और भारत की प्राचीन परंपराओं को समझने में मदद भी करेगी। कार्यक्रम में उपस्थित IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा, Many myths have been created related to Sanskar and all that has happened mainly in the colonial period and prior to that, the period where others have ruled this country. They did not understand the scientificity and the logic behind each and every sanskaras, they tried to misinterpret the sanskaras. There are myths that it is only confined to a particular caste, it is only confined to a particular gender. Indira Gandhi National Center for the Arts was entrusted to do some research on sanskaras. And this research we have been doing for past 2 years. कार्यक्रम में मौजूद सभी विद्वानों ने पुस्तक की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये कृति हमारे समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को उजागर करने में एक अहम भूमिका निभाएगी।
प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है शास्त्रीय संगीत। भारतीय शास्त्रीय संगीत एक समृद्ध और प्राचीन परंपरा है। इसमें कला के साथ साथ गहरा आध्यात्मिक भाव भी होता है, और यही बात एक बार फिर देखने को मिली क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा क्षेत्रीय श्रृंखला के अंतर्गत वायलिन वादन कार्यक्रम के आयोजन में सुप्रसिद्ध कलाकार और ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर संतोष कुमार नाहर ने वायलिन वादन की सुरमई प्रस्तुति दी। वाराणसी के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित ललित कुमार ने तबले पर संगत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल ने कला पर आधारित शास्त्रों के प्रयोग पक्ष को केंद्रित करते हुए कलाकारों को परस्पर संवाद के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का समन्वयन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिजीत दीक्षित ने किया। भारतीय संगीत में वाद्य यंत्रों का विशेष महत्व है, खासकर जब हम बात करते हैं शास्त्रीय वाद्य यंत्रों की, तो उनकी तो बात ही निराली है। तानपुरा, वीणा, सितार, सरोद, वायलिन, सारंगी, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र मन को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत का अभिन्न अंग है सरोद। सरोद न सिर्फ भारत में संगीत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी विशेष पहचान बना चुका है, और इसका श्रेय जाता है उस्ताद अली अकबर खान, उस्ताद हाफिज अली खान और उस्ताद अमजद अली खान जैसे महान संगीतकारों को, जिन्होंने सरोद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और इन्हीं में से एक विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान अपने दोनों बेटों अमान अली बंगश और अयान अली बंगश के साथ सरोद को एक आला मुकाम तक लेकर आए हैं। सांस्कृतिक प्रस्तुति के आज के सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं अयान अली बंगश की मनमोहक प्रस्तुति, जो उन्होंने IGNCA के 37वें स्थापना दिवस पर दी।
wonderful to be back and perform for such a reputed organization like Indira Gandhi National Center for Performing Arts. Every concert is like a first concert of your life. So even today, you know, we go with a certain mind frame when we go on stage, but then eventually, you know, the atmosphere, the ambience and the magic of Indian classical music, because it's not a written score, everything happens on stage. अयान अली के सरोद की मधुर ध्वनि ने आपके कानों में मिश्री घोल दी होगी, जिसका स्वाद आपके जहन में बसा रहेगा। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की तरफ। भारतीय संस्कृति और दर्शन शास्त्र को प्रचारित और इसे प्रसारित करने में कई महान ऋषियों, संतों और आचार्यों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आचार्य अभिनव गुप्त का स्थान इनमें पहली पंक्ति में आता है। वो कश्मीर के महान शैव दर्शन शास्त्री, कवि और संगीतज्ञ थे। कश्मीरी शैववाद के प्रमुख विद्वान आचार्य अभिनव गुप्त ने भारतीय दर्शन और तंत्र शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में तंत्रालोक और अभिनव भारती शामिल हैं। तंत्रालोक कश्मीरी शैववाद का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें तंत्र, योग और दर्शन का विस्तृत वर्णन है। तो आज के सिने सर्कल सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं इन्हीं आचार्य अभिनव गुप्त पर आधारित फिल्म कश्मीरी महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त। आचार्यों के आचार्य, मेरे गुरु, जिनके नेत्रों से अलौकिक आनंद की छटा झिलमिलाती है, कानों में झूलते रुद्राक्ष कर्ण कुंडल, लहराती दाढ़ी, ललाट भस्म भभू से शोभित, लंबे सुनहरे केश पुष्पमाला से ऊपर गोलाकार बंधे, बस यही मेरे गुरु हैं, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त। अपने गुरु आचार्य अभिनव गुप्त के इस मार्मिक शब्द चित्र को अंकित करने वाले मधुराज मूलतः दक्षिण भारत में मदुरई के रहने वाले थे, किंतु ज्ञान की पिपासा तथा आत्मबोध की ललक मदुरई से निकलकर हिमालय की गोद में आबाद ऋषि भूमि कश्मीर ले आई। ये यात्रा छोटी नहीं थी, न कठिनाई कम थी, परंतु प्यासे की प्यास को ज्ञान गंगा की कलकल ने अपने पास खींच ही लिया। देवों के देव, गुरुओं के गुरु, जो सिद्धांत, क्रम, भैरव, यामल, कौल, तंत्र, शास्त्र तथा ऐसी पद्धतियों की अन्य विधाओं के ऊंचे आसन पर विराजमान हैं, यही मेरे गुरु हो सकते हैं। वो क्षण कैसा अलौकिक, कैसा आनंददायी रहा होगा जब शिष्य का अपने गुरु आचार्य अभिनव गुप्त से साक्षात्कार हुआ होगा। भारत के इतिहास में ऐसे महापुरुषों के अध्याय होना कश्मीर की देन है। अपनी महत्वपूर्ण कृतियों में आचार्य अभिनव गुप्त कश्मीर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, कितना सुंदर है ये कश्मीर देश, कितनी शीतल प्रधान है पेड़ों की यह छाया, कितनी जीवंत है केसर की ये प्यारी प्यारी क्यारियां, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये पर्वतमालाएं, जिनके दामन में बहती अमृत की ये धाराएं जीवन को नए आयाम देती हैं। अद्भुत सौंदर्य की इस विविधता से परिपूर्ण कश्मीर की ये घाटी
सुंदर कैसे नहीं हो सकती। आचार्य अभिनव गुप्त के जन्म की ही तरह उनके निर्वाण के बारे में भी स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं मिलती। विश्वास किया जाता है कि जब उनके निर्वाण का समय आया तो उन्होंने एक गुफा में प्रवेश किया। ये गुफा कश्मीर के बीरवा गांव की पहाड़ियों में स्थित है। आचार्यों के आचार्य अभिनव गुप्त समझ गए थे कि यहां उनका कार्य पूरा हो चुका है, अब वापस जाने की बेला है। शिष्यों से अथाह प्रेम था और उनकी साधना भी आकाश छू चुकी थी। गुरु उन्हें पीछे कहां छोड़ते। गुफा में प्रवेश करते समय जिस भैरव स्तोत्र को वे गा रहे थे उसी स्तोत्र में तिथि दिन भी है, जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार है, पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी है तथा संवत 68 है। 68 से अभिप्राय यहां 4068 है, जो ईसवी संवत अनुसार 4 जनवरी 1016 बनता है। यह प्रकाश सदियों पहले यहीं से निकला था। इस फिल्म को देखकर आपको जरूर पता चला होगा कि भारतीय संस्कृति में आचार्य अभिनव गुप्त का योगदान कितना बड़ा है। आइए बात करते हैं नृत्य की। शास्त्रीय नृत्य भारत की एक समृद्ध और अनूठी सांस्कृतिक धरोहर है। इन नृत्य शैलियों के माध्यम से धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली और मोहिनीअट्टम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियां हैं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इनमें से कथक उत्तर भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है। और जब हम कथक की बात करते हैं तो पंडित बृजमोहन मिश्र उर्फ बिरजू महाराज जी का नाम अनायास ही हमारे जहन में उभर आता है। बिरजू महाराज जब कथक प्रस्तुत करते थे तब मुद्राओं, भाव भंगिमाओं और अभिनय से ऐसा वातावरण बना देते थे कि देखने वाले ना उसमें खो जाते थे। तो आज हमारा विशेष साक्षात्कार का ये सेगमेंट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज पर ही आधारित है। तो चलिए सुनते हैं कथक के महाराज को। सागर जैसे कहते हैं, सागर बहता था घर में, 7 पुश्तों से एक ही बात की चर्चा थी, ताल, लय, स्वर और भंगिमा, सौंदर्य, नृत्य। तो शुरू से तो हमारे दिमाग में अम्मा ने भी वही भरा, दादी ने भी वही भरा, पिताजी ने, चाचा जी ने, तो एक ही साउंड था, घुंघरू, तबला, संगीत। तो वो हम तो साढ़े तीन साल के थे तो चलते फिरते लुढ़कते हुए वहाँ पहुँच जाता था। तालीम खाना पर वहाँ बैठ के तबला बजा रहा हूँ, कभी हारमोनियम बजा रहा हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा करने लगा था मैं बचपन से, शुरू से। कथक की शुरुआत जो है वो होते हड़िया तहसील जो है इलाहाबाद के पास, वहाँ एक गांव है किचकिला। तो वहाँ पर ये 989 घर कथक लोगों के थे और वो लोग कोई तो गाना गाता था, कोई नाचता था, कोई कथा कहता था। तो हम लोग सब मिश्रा ब्राह्मण हैं, गर गोत्र हम लोग का है, मिश्रा हम लोग हम मिश्रा कह रहे थे। अगर मेरा नाम वैसे लेते हो तो ब्रजमोहन नाथ मिश्रा होता, पर महाराज करके मशहूर हो गए हमारे बाबा वगैरह, तो इसलिए बिरजू महाराज हो गए। लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग कहाँ के हैं, बिल्कुल यूपी के मिश्रा हैं, गर्गुरु के ब्राह्मण हैं, कचकिला गांव के हैं, लखनऊ में, इसलिए क्योंकि नवाब साहब ने जब बिला लिया भाई दली शाह ने तो सब के सब आ गए भाई शहर। जैसे यहाँ अभी कोई किसी को कहो ना कि कहाँ गए भैया, कमाने गए कहाँ, कलकत्ता गए हैं भाई वहाँ कल, या बम्बई गए कमाने, तो पहले कमाने जाने के लिए जैसे कहते हैं ना हम लोग लखनऊ चले आए। तो नवाब साहब ने घर घोड़े दे दिए, गाड़ी दे दी, पैसे दे दिए और बड़ी इज्जत की। और ठुमरी बाबा लिखते थे तो ठुमरी तो नवाब साहब को ही पसंद थी, वाहिद अली शाह को, तो मामला जम गया।
भाई वो भी ठुमरी का शौकीन, ये भी ठुमरी करने वाले, तो वहाँ पर इनका वहीं जम गए महाराज बाबा हमारे महाराज मिंदाजी निकाल का महाराज। और मेरी ननिहाल है सुल्तानपुर, अम्मा हमारी सुल्तानपुर की थी और वहाँ मामा वगैरह सब लोग थे, तो हम जाते थे वहाँ पर जाके अपना हमने पानी भर के देखा कैसे पानी भरते हैं, बैल गाड़ी कैसे चलाते, ये सब मैंने बहुत अनुभव किए सब चीज़, तो भी बिल्कुल मेरे मजा आते हो। अब बड़े शहरों में जब नाम हो गया तो इधर उधर घूम रहे हैं। देखिए लक्ष्मी महाराज हमारे चाचा थे, मुगले आजम, तीसरी कसम, पाकिता, ये सब में लक्ष्मी महाराज हमारे चाचा सगे चाचा थे। वहाँ तक तो गनीमत था, पर ये जो बाद की जो डांस मिक्स हुए हैं ना आके वो फ्यूजन कन्फ्यूजन, मैं तो बड़े चक्कर में रहता हूँ कि भाई देखो सीधी बात, मैं अपना काम करूँ तुम अपना दिखाओ, पर हम तुम्हें तुम्हारे में हम नहीं मिक्स होना चाह रहे हैं। तो मैं आज तक भी नहीं करता हूँ, मैं अभी जितने भी बैले होते हैं हमारे जो भी नृत्य नृत्य सब हिंदुस्तानी साज होते हैं उसमें काम करता हूँ। मेरा परिवार जो कि गुरु शिष्य परम्परा का ही कहलाता है और आज सुनी सेवन जनरेशन सेवन पुष्ट बीत गई हैं और आज भी हम जो शिक्षा दे रहे हैं बिल्कुल उसी के अनुसार शिक्षा तालीम क्या होती है, तो ये इस किसके अनुसार हम लोग सब बच्चों को तालीम देते हैं। 600-700 बच्चे इस वक्त हमारे कला आश्रम में, बड़ी तकदीर ये अच्छी मालिक ने बड़ी रहम किया कि बड़े मुश्किल से मेरा कला आश्रम की गुलमोहर पार्क में बिल्डिंग खड़ी हो गई और बहुत सुंदर है। और उसके अब मुझे क्लासेस हमारी योगा की भी शुरू हो रही हैं, गाने की है, डांस की है, म्यूज़िक की है, तबले की है, और अब ये सब चीज़ें, और टाइम टाइम पर आकर लोग जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं जो जान अनुभवी उनको बुलाएंगे कि बच्चों को समझाओ, ये शुरू हो रहा है धीरे धीरे। आप भी खुश होंगे अगर वो भवन देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और पेंटिंग भी हमारा शौक है, जब सन्नाटा हो जाता है तो हमें लगता है चलो कुछ ऐसा काम करें, तो अपने मन के लिए करता हूँ लेकिन वो एग्जीबिशन के लिए नहीं, मैं अपने मन के लिए और बना के खुश हो रहता हूँ, दोस्तों को कहता हूँ कैसा लगा, वो अच्छा लगा, बात हो गया, हमारा एग्जीबिशन इसी में चलता है। अभी आपने सुना पंडित बिरजू महाराज जी को जो भारत की एक धरोहर है। अब एक धरोहर से हम आपको लिए चलते हैं दूसरी धरोहर की ओर, यानी संस्कृति संवाद के आज के आखिरी सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर की ओर, जिसमें आप रूबरू होते हैं भारत के किसी एक गांव की विशेष लोक कला और वहां की परंपरा से। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसके अंतर्गत देश के सभी गाँव का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। तो आज इस खास सेगमेंट में जानिए झारखंड के मलूटी गांव के बारे में। मालूटी गांव। मालूटी एक मध्यम आकार का गांव है जो झारखंड के दुमका जिले के शिकारीपारा ब्लॉक में स्थित है। मालूटी के लोग मूल रूप से जीवन व्यापक करने के लिए किसानी का कार्य करते हैं। यह कृषि केंद्र व्यापक रूप से अपने सोया, ज्वार, सूरजमुखी और गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। मालूटी मंदिर 17वीं शताब्दी के 72 टेराकोटा मंदिरों का एक समूह है। वह झारखंड के दुमका जिले के मलूटी गांव में स्थित है। ITRHD इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट के अनुसार इन सभी मंदिरों का निर्माण 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच किया गया था। ग्लोबल हेरिटेज फंड ने मालूटी मंदिर को दुनिया के 12 सबसे लुप्तप्राय सांस्कृतिक विरासत स्थलों में से एक घोषित किया है और सूची बनाने के लिए भारत एकमात्र ऐसा है। प्रारंभ में 108 मंदिरों का निर्माण किया गया जो सभी भगवान शिव को समर्पित हैं। इनमें से 72 अभी भी खड़े हैं।
इस जगह का अत्यधिक सांस्कृतिक और स्थापत्य महत्व है। झारखंड के मालूटी गांव न केवल आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है, बल्कि यह प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का एक आदर्श मिश्रण है। उम्मीद है कि संस्कृति संवाद का आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, जिसे हमने बहुत मेहनत और शोध से बनाया है, और आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने सजेशंस आप हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर IGNCA के विशेष शो संस्कृति संवाद के साथ, जिसमें हम आपका परिचय करवाएंगे भारत की इंद्रधनुषी संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।